नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध अस्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति हैं, पुरुष की यदि राशि सिंह राशि है और यदि स्त्री की तुला राशि है, तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है, वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि दोनों को बांधे हुए रखती हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो कि टालनी चाहिए, अगर बात ब्रेकअप तक पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम में होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के पुरुष और तुला राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। तो सिंह राशि के जो पुरुष है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो अगर जानना जाए तो सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। तो यह जो राशि है यह सबसे महत्वपूर्ण बात, सिंह जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष तत्व की राशि है। और यदि पुरुष तत्व की राशि किसी पुरुष के है तो ये जो पुरुष तत्व है वो बहुत ही उनमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अब पुरुष तत्व में सबसे पहले बात होती है आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की। तो जो कॉन्फिडेंस होता है वह सिंह राशि के जो पुरुष है उनमें बहुत ही अच्छा देखा जाता है। ऊर्जा या फिर एनर्जी लेवल होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। इसी वजह से सिंह राशि के पुरुष अगर आप देखो तो उनकी जो फैशन स्टेटमेंट होती है, उनका जो रखरखाव होता है, खुद को कैरी करने की जो बात होती है उनमें खासी देखी जाती है। अन्य सभी के मामले में जो सिंह राशि के पुरुष है वो आपको कुछ अलग ही दिखेंगे। लार्जर देन लाइफ इनकी इमेज होती है, जो भी करे अच्छा करे, औरत से कहीं ऊपर हो तो यह जो बात है वो खुद से हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं और इस प्रकार से करते भी है। अब यहाँ पर इनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो किस प्रकार की है वो ज्यादा मायने नहीं रखती, मतलब ब्रांडेड जो बात है, जो भी अच्छी बात है वही करना पसंद आता है। और ये जो बातें उनके रहन सहन में, बोलने में, इनकी वाणी में या फिर जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है, करियर में, सभी में ये जो बातें होती है वो देखी जाती है और सामने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे भी इसी प्रकार की जो बात है वो एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे कि हम कह रहे थे कि इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा, नीट एंड क्लीन होता है, ब्रांडेड कपड़े पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी प्रकार उनकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है। लेकिन अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बोलते हैं। सिंह राशि के जो पुरुष है, हालांकि मैंने जैसे कहा कि ये जो राशि है वो मितभाषी है और यदि पुरुष के होंगे तो वो थोड़ा कम ही बोलेंगे, जो भी बात है वो थोड़ा कम बोलेंगे और खूब सोच समझ कर बोलते हैं। किसी भी मसले पर अगर इनको डिसीजन लेना है तो बहुत ही ज्यादा इनडेप्थ सोचेंगे, थोड़ा सा इसमें समय लेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे उसमें काफी ज्यादा महत्व देखा जा सकता है, उसमें सोच भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। इसी प्रकार इस राशि के जो पुरुष है इनमें डेडिकेशन काफी अच्छा देखा जाता है, संपूर्ण समर्पण का जो भाव होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। अगर उन्हें कोई भी काम अगर हाथ में लिया तो उसे पूरा कर ही छोड़ते हैं, आगे पीछे नहीं डरते, किसी व्यक्ति से नहीं डरते, किसी परिस्थिति से नहीं डरते। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है, जो काम औरों से नहीं हो रहा है तो उसे पूरा कर दिखाएंगे, लीड बाय एग्जांपल, जो कि लीडर्स की क्वालिटीज होती है वो उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। काम करने की जो बात होती है वो भी काफी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनमें डेडिकेशन काफी अच्छा होता है, एम्बिशियस नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन काफी अच्छा, इनको पता होता है, इनको मालूम होता है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, लार्जर देन लाइफ इनके अगर आप सपने देखोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इनके व्यक्तित्व से कि इनके जो सपने हैं वो इतने बड़े हैं या फिर इसमें इतनी ज्यादा ताकत है और वो पूरा कर भी छोड़ते हैं। आप देखोगे नॉर्मली जो जहां पर भी इन्होंने शुरुआत करी थी उससे बहुत ही आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसके लिए इनकी जो बाकी की कुंडली है वो भी थोड़ी देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि बाकी के जो ग्रह हैं उनका सहयोग होना भी काफी आवश्यक होता है, लेकिन इनकी जो सोच होती है वो काफी खासी देखी जाती है। उसी तरह इनमें ट्रांसपेरेंसी भी बहुत अच्छी होती है, जो बात इनके मन में होती है वही जुबा पर होती है, मतलब सामने वाले को रिझाने के लिए कुछ अच्छा अच्छा बोलना, ये बातें, ये जो नेचर है इनमें बिल्कुल भी देखा नहीं जाता, मतलब डिप्लोमेटिक नेचर, बातें घुमा फिरा के कहना इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आता, जो भी बात है स्ट्रेस टू द पॉइंट करना। हालांकि सामने वाले व्यक्ति है वो यदि इससे कुछ हर्ट भी हो जाए तो वो सीधे सीधे बोलने वाले होते हैं, इसी वजह से
थोड़ा सा इनके इनसे लोग थोड़ा सा दूरियां बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे होते हैं क्योंकि दिल के काफी साफ होते हैं, इन ट्रस्टवर्दी इनको आप कह सकते हैं, इन पर विश्वास कराया जा सकता है क्योंकि जो भी वो बात बोलते हैं वही इनपे इनके हृदय में भी देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़ी सी स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें ज्यादा देखी जाती है क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है, इसलिए स्पेंडिंग कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर अगर देखा जाए तो दिलदार होते हैं, जो भी बातें सामने वाले व्यक्ति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और यदि सामने वाला व्यक्ति कहीं चूक भी जाए और अगर उसने माफी मांग दे तो अकेली यह राशि है कि जो आपको जल्दी से माफ कर देगी और आपके जो भी आपसे भूल हुई है वो फिर से नहीं दोहराएगी। तो ये जो बात है वो भी इस राशि के जो पुरुष है इनमें बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। पूर्णतः अगर देखा जाए तो संपूर्ण व्यक्तित्व, अगर देखा जाए तो संपूर्ण पुरुष का जो व्यक्तित्व है वो इनमें देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि तुला राशि की जो स्त्री है इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के कुंडली में सप्तम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और ये जो राशि है चर राशि है। अब यहाँ पर तुला राशि की जो स्त्री है इनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो देखी जा सकती है वो होता है इनका व्यक्तित्व। खुद को कैरी करने की जो बात है वह तुला राशि के समान, तुला राशि की जो स्त्री है इनके समान किसी अन्य व्यक्ति में आप नहीं देखोगे। मतलब ऐसे कौन से कपड़े हैं, कौन से रंग है, किस प्रकार के फैशन है वो उन्हें सूट हो जाती है, इनके बारे में इनकी जो चॉइस होती है वो काफी खासी देखी जा सकती है, और फैशन को किस तरह से कैरी किया जाए वो इस राशि की जो स्त्री है इससे आप सीख सकते हो, या फिर लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो भी आप इन्हें देख सकते हो। तो यही बात होती है। और इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा मेंटेन होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले में मसले में ये बात काफी ज्यादा बहती जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। काफी ज्यादा कंटेंप्ट होती है, कहाँ तक बातें करनी है, किस तरह से बातें करनी है। वाणी के मामले में अगर देखा जाए तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है उन्हें बोलना काफी ज्यादा पसंद आता है, शेयरिंग करना काफी ज्यादा पसंद आता है, बहुत ज्यादा इमोशन। अब ये जो बात है वो तुला राशि की जो स्त्री है उनमें होती तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं देखी जा सकती, बहुत ज्यादा वो इमोशनल नहीं होते, या फिर बहुत ज्यादा किसी भी बात में बहुत मतलब लिमिट से बाहर, मर्यादा के बाहर वो नहीं जाती। इस वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो आप खासा आपके दिमाग में रह सकता है। दूसरी तरफ रिस्पेक्ट देते हैं, इनका सेल्फ रिस्पेक्ट भी काफी अच्छा होता है और सामने वाले व्यक्ति को भी काफी अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। कम्युनिकेशन में ही अगर देखा जाए तो किसी से अगर ये बातचीत करते हैं तो उसके लेवल तक आ जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धि में कम है या फिर इसके विचार थोड़े कम है, इसकी जानकारी उसके कम है, तो उसके साथ अगर बातचीत करने तो उसी के लेवल तक जाएंगे तो सामने वाले व्यक्ति को भी वो लगता है कि ये जो स्त्री है उनको रिस्पेक्ट दे रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसी वजह से इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि रहन सहन भी काफी अच्छा है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो हमेशा पॉजिटिव देखी जाती है, चाहे इनके जीवन में निजी जीवन में किसी भी प्रकार के कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो आपको कभी नहीं कहेगी। और इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व जिस तरह से वो कैरी करती है वो काफी खासा देखा जा सकता है, काफी ज्यादा एनर्जी लेवल भी इनमें बहुत ही अच्छे देखे जा सकती है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी नॉर्मली अगर देखा जाए तो करियर में भी काफी अच्छे तरीके से सेटल होती है, इनमें भी हार्ड वर्किंग नेचर काफी अच्छा देखा जाता है, गोल ओरिएंटेशन काफी अच्छा देखा जा सकता है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण बात, इनके जो सपने होते हैं वो भी काफी अच्छे होते हैं लेकिन प्रैक्टिकल होते हैं, ये बात बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर मतलब तुला राशि की जो स्त्री है, तुला राशि में तीन नक्षत्र आते हैं, चित्र, स्वाति और विशाखा। तो चित्र नक्षत्र की जो स्त्री है तुला राशि की, इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनका सौंदर्य होता है बहुत ही अच्छा होता है, फोटोजेनिक होता है, मतलब चाहे इनकी उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन इनका जो सौंदर्य है वो नॉर्मली कम देखा नहीं जाता। स्वाति नक्षत्र की जो स्त्री है इनकी जो बौद्धिक पात्रता होती है, क्योंकि ये जो राशि है वो बौद्धिक राशि है, वायु तत्व की राशि है, तो इनमें ग्रास्पिंग होती है, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी देखी जा सकती है, स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षाएं होती है वो भी काफी इजीली आगे करती है, प्रैक्टिकल भी काफी अच्छा इनमें देखा जाता है, मतलब दुनियादारी जिसे हम कहते हैं वो उनको काफी अच्छे तरीके से पता होती है, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनके साथ बात करनी है वो भी इनको काफी अच्छे तरीके से पता होती है। अब ये जो विशाखा नक्षत्र है वो थोड़ा सा तीखा या फिर तेज तर्रार आप देख सकते हो। विशाखा नक्षत्र की जो स्त्री है कई दफा ऐसे देखा जाता है कि उनकी जो वाणी होती है थोड़ी सी तीखी हो सकती है, टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं और थोड़ा सा तीखापन इनमें देखा जाता है। विशाखा नक्षत्र के तीन जो चरण है वो इस राशि में देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो तुला राशि की जो स्त्री है वो संपूर्ण स्त्री के व्याख्या में आप देख सकते हो, लेकिन इनमें एक रुतबा होता है, खुद को कैरी करना, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर इनको कोई बात करनी है तो बहुत नीचे स्तर तक आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जो राशि है पुरुष तत्व की भी राशि है, इस वजह से ये जो बात है
नॉर्मल स्त्री पर से रिलेटेड जो भी इमोशनल है ये जो बातें हैं वो इनमें थोड़ा सा कम देखी जा सकती है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि सिंह राशि के पुरुष और तुला राशि की स्त्री यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों राशि में कई ऐसे जो गुणधर्म है वो काफी सिमिलर है, सेम है। जैसे कि दोनों राशि की जो फैशन स्टेटमेंट होती है वो काफी अच्छी होती है, जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफी सकारात्मक होती है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी दोनों राशि की जो स्त्री पुरुष है वो काफी आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर इनमें क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं? देखिए दोनों जो राशियां हैं वो अपने को खुद को अच्छी तरह से कैरी करने और दोनों राशि में जो कॉन्फिडेंस है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यही जो बात है वो थोड़ा सा अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि दोनों राशि में जो ईगो को जो प्रॉब्लम है वो देखा जा सकता है। अब तुला राशि की जो स्त्री है इनको पता होता है, इनको खुद की जो लिमिटेशन होती है वो पता होती है कि बातें जो है वो किस तरह से हैंडल करनी है, कहां तक जाना है। लेकिन सिंह राशि के बारे में ये जो संपूर्ण राशि है वो पुरुष की राशि और पुरुष के ही अगर हो, ये जो पुरुष की राशि पुरुषों की ही हो तो जो जो कॉन्फिडेंस जो होता है वो थोड़ा सा ईगो में तब्दील होता है। और यही वजह होती है कि यदि इस दोनों राशि के स्त्री पुरुष यदि रिलेशनशिप में होंगी तो ईगो का इश्यू आ जाता है, क्योंकि जो तुला राशि है उनमें ईगो तो ज्यादा नहीं होता लेकिन कई दफा कई मामलों में वो देखा जाता है, काफी सटल रूप में देखा जाता है, काफी सूक्ष्म रूप में देखा जाता है, लेकिन होता है। और यदि किसी स्त्री में यदि ईगो की बात हो जाए तो फिर क्लैशेस होने ही है। और वो यदि पुरुष मतलब सिंह राशि के पुरुषों के साथ यदि रिलेशनशिप में होंगी तो प्रॉब्लम होने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। और इसमें यही बात होती है, दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि के जो पुरुष है उनको यदि कोई बात अन्य व्यक्ति को सामने कही जाए तो उनको वो थोड़ा सा अपमानजनक लग सकता है। यह बात थोड़ी सी देखनी ज्यादा आवश्यक है। लेकिन ये काफी ये जो बात है ईगो की, अगर इसी के ऊपर अगर आप कमांड करो या फिर यह जो बात है अगर ठीक से समझ लो तो आप दोनों के रिश्ते में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन कभी नहीं आएंगे। फिर आपका जो रिश्ता है वो काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों राशियों में कई ऐसे जो गुण है वो करीबन सेम है। दोनों राशियां काफी अच्छे तरीके से आगे खुद क्योंकि खुद को किस तरह से कैरी करना है, मेच्योरिटी लेवल है वो भी दोनों राशियों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिर्फ यही इसी पर अगर काम किया जाए तो आपके दोनों के रिलेशनशिप में कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकती। यद्यपि इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि जो राशियां है जैसे हमने कहा देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वह किस राशि किस नक्षत्र में किस योग में है या फिर इनके दैनिक गति क्या है वो देखकर या फिर नौमांश में इनके जो स्थानगत जो बातें हैं किस प्रकार के देखकर इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में सिंह राशि के पुरुष और तुला राशि की स्त्री है तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।